नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में एक परिवर्तन किया गया और वो परिवर्तन यह किया गया है कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, उसके कुछ एक अंश को छोड़ के। तो इस पर, अनुच्छेद 370 पर अपने विचार मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ और भविष्य में जम्मू और कश्मीर, विशेषकर कश्मीर घाटी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में विभक्त करके लद्दाख को एक स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी बनाने, केंद्र शासित प्रदेश बनाने, और जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित लेकिन विधानसभा वाला राज्य दिल्ली की तर्ज पर बनाने के सिवा वर्तमान मोदी सरकार के पास और कोई विकल्प बाकी नहीं बचा था। कारण, घाटी पूरी तरह, कश्मीर घाटी, श्रीनगर घाटी पूरी तरह भारत से अलगाव के लिए इस समय तैयार हो चुकी थी। और ये तत्काल नहीं हुआ, 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद नहीं हुआ, बल्कि 1990 के बाद से ही अलगाववाद की आग ने पूरी घाटी को घेर लिया था। तो देखिए, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसके नज़रिए से यह बिल्कुल तय है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार सरकार ने जो निर्णय लिया, अखंड भारत का निर्णय लिया, वह बिल्कुल सही नज़र आता है। लेकिन इसके साथ एक बात हम सबको, विशेषकर घोर राष्ट्रवादियों को, और यदि मैं कहूँ कि घोर नरेंद्र मोदी भक्तों को याद रखनी चाहिए, तो वह यह कि कश्मीर की जनता कभी भी भारत के साथ अपना विलय नहीं चाहती थी। ये बात दिल से बैठा लीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता अपना अलग अस्तित्व चाहती थी। वहाँ के हिंदू महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान के साथ अपना विलय नहीं चाहते थे। उन्होंने भारत के साथ अपना विलय मजबूरी के तहत किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान जो कबायली आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहा था और श्रीनगर के हवाई अड्डे से कुछ ही किलोमीटर दूर रह गया था 1947 में, यदि वो कश्मीर पर कब्जा कर लेते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता और ना मालूम उसका क्या हश्र होता। हालांकि हश्र आज भी कोई अच्छा नहीं है। तो मित्रों, पहले तो मैं आपको, जो मित्र हमारे लगातार जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए कोसते हैं कि उन्होंने गलत निर्णय लिया और उनके कारण ही कश्मीर के ये हालात हैं, उनकी भ्रांति दूर कर देना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी की कथनी और करनी में कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा अंतर था। जवाहरलाल नेहरू ने जून 26 और 7 अगस्त 1952 को दो बार लोकसभा में हस्तक्षेप करते हुए जो कहा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नेहरू जी ने कहा, आई से विद ऑल रिस्पेक्ट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट जस्ट डज नॉट मैटर वट योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, इफ द पीपुल ऑफ कश्मीर डू नॉट वॉन्ट इट, इट विल नॉट गो देयर, बिकॉज वट इज द ऑल्टरनेटिव, द ऑल्टरनेटिव इज कंपल्शन एंड कोअर्सन। नेहरू ने माना कि यदि भारतीय संविधान को कश्मीर की जनता वहाँ लागू नहीं कराना चाहती है तो उसका कोई विकल्प नहीं है, वहाँ भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा। क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव, नेहरू जी ने कहा, हम केवल बलपूर्वक सेना की मदद से ही वहाँ यह संविधान लागू करा सकते हैं। नेहरू ने अगस्त 7, 1952 को एक और बात कही, वी हैव फॉट द गुड फाइट अबाउट कश्मीर ऑन द फील्ड ऑफ बैटल एंड इन मैनी अ चांसलरी ऑफ द वर्ल्ड एंड इन द यूनाइटेड नेशंस, बट अबव ऑल वी हैव फॉट दिस फाइट इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ मैन एंड वुमन ऑफ दैट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज अल्टीमेटली आई से दिस विद ऑल डिफरेंस टू दिस पार्लियामेंट, द डिसीजन विल बी मेड इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द मैन एंड वुमन ऑफ कश्मीर, नाइदर इन दिस पार्लियामेंट नॉर इन द यूनाइटेड नेशंस नॉर बाई एनीबडी एल्स। नेहरू ने बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही एक ओजपूर्ण भाषण दिया कि जो कश्मीर की जनता चाहेगी अंततः कश्मीर में वही होगा। हुआ क्या था मित्रों, आप सबको मालूम है, हालांकि पूरा सच नहीं मालूम है, ऐसा मेरा मानना है। जम्मू कश्मीर रियासत का विलय जब भारतीय संघ के समय हुआ, उस समय वहाँ के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र में जब हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को, उस समय उन्होंने बहुत स्पष्ट भारत की तत्कालीन सरकार से एक वायदा लिया था, और वो वायदा ये था कि जिन शर्तों पर विलय किया जा रहा है उन शर्तों को भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति और भारत का भविष्य में बनने वाला संविधान, क्योंकि तब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान बनने की प्रक्रिया में था,
राजा हरि सिंह ने बड़ा स्पष्ट किया, ये तीनों इस विलय पत्र को खारिज नहीं कर सकते हैं, ना ही इस अनुच्छेद में 370 जिसे कहा जाता है उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। राजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने एक ऐलान किया था, इन राइटिंग डिक्लेरेशन दिया था, नथिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू कमिट मी इन एनी वे टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टू फेटर माई डिस्क्रिशन टू इंटर इंटू अरेंजमेंट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनी सच फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उन्होंने स्वयं को भी प्रतिबंधित कर दिया, उन्होंने कहा भविष्य में भारत के बनने वाले संविधान में के द्वारा या मेरे द्वारा भी, हरि सिंह के द्वारा भी किसी प्रकार का इस विलय पत्र में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। और विलय पत्र में मुख्य शर्तें क्या थी? मुख्य शर्तें ये थी कि भारत सरकार का नियंत्रण केवल विदेशी मामलों में रहेगा, भारत सरकार का नियंत्रण दूर संचार के मामलों में रहेगा और भारत सरकार का निर्णय रक्षा के मामलों में रहेगा। रक्षा, दूर संचार और विदेश मामलों में भारत सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। बाकी ये तय हुआ था कि जम्मू कश्मीर राज्य अपने लिए एक संविधान सभा का गठन करेगा, जैसे भारत की संविधान सभा बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें ये तय होगा कि और क्या क्या अधिकार भारत सरकार को दिए जाएं। ये बिल्कुल स्पष्ट तय किया गया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही भारत का आंशिक विलय राजा हरि सिंह के इस डिक्लेरेशन के बाद अनुच्छेद 370 के अंतर्गत लागू हुआ, तत्काल बाद नेहरू जी की नीयत में भी बदलाव आने लगा। मई 15-16-1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल्ली स्थित निवास में नेहरू, पटेल और शेख अब्दुल्ला के बीच एक बैठक हुई। शेख अब्दुल्ला तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे और राजा हरि सिंह ने उनको अंतरिम प्रशासक अपने राज्य का नियुक्त किया था। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा गठित नहीं हुई थी, कामकाज चलाने के लिए शेख अब्दुल्ला को जिम्मेदारी दी गई थी। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि उनका वहाँ की स्थानीय राजनीति में वर्चस्व बढ़े, उनका स्पष्ट इरादा था कि उनको ज़्यादा अधिकार मिलें, उनको ये लगता था कि आने वाले समय में वही जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान होंगे। नेहरू जी की इस बैठक, पटेल जी की इस बैठक में इन मुद्दों पर भारत के संविधान के साथ जम्मू कश्मीर का संविधान का क्या संबंध रहेगा, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। मई 18-1949 को नेहरू ने शेख को लेकर एक पत्र में साफ तौर पर लिखा कि जब तक राज्य का नया संविधान नहीं बनता, भारत का केवल तीन विषय रक्षा, दूरसंचार और विदेश मामलों में ही दखल रहेगा, राज्य की संविधान सभा बाकी विषयों पर भारत के अधिकार पर निर्णय लेंगी, जो कि एज पर विलय पत्र था। अनुच्छेद 370 स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान के पूरी तरह ना लागू होने की बात कहता है। भारतीय संसद को भी केवल तीन विषयों पर ही जम्मू कश्मीर की बाबत कानून बनाने के लिए सक्षम माना गया था। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी के बदलते हुए रुख से हैरान थे, क्योंकि जब ये संविधान, जब ये विलय हो गया उसके तत्काल बाद ही बजरीय राष्ट्रपति नेहरू सरकार ने कई अध्यादेश जारी करे जो विलय पत्र के अनुकूल या अनुरूप नहीं थे। सबसे पहली बात, शेख अब्दुल्ला तब नेहरू जी के बड़े करीबी मित्र हो गए थे और नेहरू जी का पूरा उद्देश्य था कि बजरीय शेख अब्दुल्ला वो जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय करा लें। इसलिए जब शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी के सामने कंडीशन रखी या एक मांग रखी कि जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल भारत सरकार का नहीं होगा और उसकी जगह मुख्यमंत्री जो राज्य का होगा उसको सदर रियासत कहा जाएगा, तो नेहरू जी ने ये बात मान ली। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा यह गलत है, राज्य की संविधान सभा अभी बनी नहीं है, वो संविधान सभा तय करेगी कि राज्य का मुखिया कौन होगा। लेकिन नेहरू जी के दबाव में अंततः अमेंडमेंट कर दिया गया और इसी प्रकार अनुच्छेद 370 में बदलाव की शुरुआत हो गई। नवंबर 5, 1951 को राज्य की संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के गठन के बाद राज्य सरकार के पास, शेख अब्दुल्ला उस समय राज्य के सदर रियासत थे, उनके पास भारत के संघ विलय की शर्तों में अस्थाई फेरबदल का भी कोई अधिकार नहीं रह गया था। नवंबर 1956 को राज्य के में नया संविधान लागू किया गया और जो संविधान सभा 1951 में बनी थी वो भंग हो गई। इससे पहले जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तब भी राजा हरि सिंह ने एक और बयान जारी किया और उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि भारत का नया संविधान केवल विलय पत्र में तय शर्तों के अनुसार ही जम्मू कश्मीर की रियासत में
लागू माना जाएगा। आज मित्रों जिस बात का श्रेय वर्तमान दौर में सब कुछ अमित शाह जी को दिया जा रहा है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 2 की उपाधि दी जा रही है कि उन्होंने इस अनुच्छेद को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य को अखंड भारत का एक हिस्सा बना दिया है, एक पंथ एक निशान के फॉर्मूले को लागू कर दिया है। ऐसे सभी मित्रों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि भारत की पहली सरकार से ही राजा हरि सिंह के साथ किए गए विलय पत्र की अवज्ञा का खेल शुरू हो गया था। कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला ने, जैसा मैंने पहले कहा, अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहला खेल खेला और उन्होंने सदर रियासत नाम से मुख्यमंत्री, जिसको आज कहा जाता है, वो अपने लिए पद बनवा लिया। हालांकि ये बात अलग है कि नेहरू जी के साथ उनकी मित्रता बहुत कम रही और कुछ समय बाद ही उनके संबंध जवाहरलाल नेहरू सरकार के साथ बहुत ख़राब हो गए और उनको अंततः नेहरू सरकार ने बर्खास्त कर दिया और उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेहरू सरकार लगातार इस विलय पत्र का उल्लंघन करती रही। 21 नवंबर 1964 को बजरीय राष्ट्रपति के आदेश राज्य में गवर्नर की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया, सदर रियासत को ख़त्म किया गया, मुख्यमंत्री पद सृजित किया गया जो राज्य की विधानसभा ने नहीं, संविधान पीठ ने नहीं कहा था, और सीधे सीधे राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई जो कि केंद्र का शासित प्रतिनिधि था, केंद्र द्वारा भेजा गया भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि था, जबकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने इस प्रकार की किसी भी चीज़ को अपना समर्थन नहीं दिया था जो कि निश्चित तौर पर हरि सिंह के साथ किए गए विलय पत्र का, विलय संधि का उल्लंघन किया गया। एक नहीं ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विलय पत्र का स्पष्ट उल्लंघन तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों ने किया। यह समझा जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरुआती दौर में हमारे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि आपने, एक राष्ट्र ने एक अंडरटेकिंग ली है कि राजा हरि सिंह के साथ जो विलय पत्र में हस्ताक्षर किए गए और जिन शर्तों को माना गया है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद के समय में सुप्रीम कोर्ट भी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को अपना समर्थन देती चली गई। उदाहरण के लिए प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू कश्मीर मामला 1959 में सुप्रीम कोर्ट में आया। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया कि राज्य की संविधान पीठ का निर्णय ही अंतिम होना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान बना है उसी के तहत जो निर्णय लिया जाएगा भारत सरकार के हस्तक्षेप का उस राज्य में, जम्मू कश्मीर में, वही अंतिम होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे बाद में 3 मामले और सुप्रीम कोर्ट में गए और अभी भी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये अनुच्छेद 370 का उल्लंघन कांग्रेस की सरकारों ने किया उसकी तरफ से एक ढंग से अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। पूरा प्रकरण जैसा मैंने कहा बेहद पेचीदा है। इसमें जम्मू कश्मीर का पूरी तरह भारत संघ विलय कराने की इच्छा हर सरकार, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी लगातार सामने आती रही है। इसलिए आज जब भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इसे अंजाम तक पहुंचा डालने की बात कर रही है, डाल चुकी है, अनुच्छेद 370 को एक ढंग से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है और एक पंथ एक निशान लागू हो चुका है, तो कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल जो रोना रो रहे हैं कि उस विलय संधि का हरि सिंह को दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है, वो एब्सोल्युटली बुलशिट है। ये काम कांग्रेस की सरकारों ने ही शुरू किया था। यहाँ दोस्तों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझी जानी जरूरी है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, राजा हरि सिंह के साथ जो समझौता हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जो संधि हुई थी और जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था, उसमें केवल 3 चीज़ें ही भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी, रक्षा, विदेश मामले और दूरसंचार, नंबर 1। नंबर 2, जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा बनी और संविधान सभा के जरिए नवंबर 17, 1956 को वहाँ नया संविधान लागू हुआ, उसमें भी यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार के पास इन 3 मामलों के अतिरिक्त कुछ और मामले दिए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन बड़ी क्लियर थी, वो संविधान सभा द्वारा और राज्य की चुनी गई असेंबली के द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। अब जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है तो जम्मू कश्मीर में कोई संविधान सभा नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था और वो खत्म कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में इस समय कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है, PDP BJP गवर्नमेंट के गिरने के बाद वहाँ राष्ट्रपति का शासन लगा हुआ है, इसलिए राज्य की असेंबली ने भी इसको संस्तुति नहीं दी है। और सबसे जरूरी बात,
If you go by the agreement signed between Raja Hari Singh and Government of India, तो आपकी संसद के पास, हमारी संसद के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास, हमारी केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन एक सच यह भी है कि देश को अक्षुण रखने के लिए कागजों में लिखी गई इबारत पर नहीं चला जा सकता है, वह भी तब जबकि कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पिछले 30 सालों से लगातार वहाँ विदेशी शक्तियाँ अपना अतिक्रमण कर रही हैं, हथियारों की होड़ चल रही है, आतंकवादी गतिविधियों को हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इवन पाकिस्तान के भीतर भी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है भारत को अस्थिर करने के लिए। इसलिए वर्तमान सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, ये हमें मान लेना चाहिए। इसीलिए मैं इस विकल्प का सम्मान, इस सरकार के कदम का सम्मान करता हूँ, लेकिन साथ में अपने हर मित्र को यह बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर घाटी की जनता को यदि विकल्प दिया जाता, उनके पास ऑप्शन होता, तो वो भारत का हिस्सा नहीं होती, बनना नहीं चाहती थी। इसलिए यह कहना कि घाटी में देशद्रोही बसते हैं गलत है। उन्हें जब इस देश से प्रेम ही नहीं था तो वो देशद्रोही कैसे कहलाए जा सकते हैं। दूसरी बात, हमें पता है, हमें बार बार बताया जा रहा है कि घाटी में सारा दूरसंचार की व्यवस्थाएं समाप्त हैं, इंटरनेट रोक दिया गया है। ऐसे समय में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो तस्वीरें आ रही हैं कि वो आराम से श्रीनगर में घूम रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, तो उस भ्रम में भी मत रहिए। घाटी पूरी तरह अशांत है, ये मान लीजिए। घाटी में लोगों में के बीच में अलगाववाद की भावना और भड़की होगी इस घटना के बाद, ये भी मान लीजिए। इस निर्णय के बाद घाटी के बाशिंदे निश्चित ही अपने को ठगा महसूस कर रहे होंगे। उन्हें भारत संग ना तो अब कोई लगाव बाकी रहा होगा, ना ही उनका भारतीय संविधान पर कोई आस्था बची रही होगी। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूँ कि जैसे मैंने कहा, समय काल और परिस्थिति के अनुसार भारत सरकार के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो रायशुमारी कराकर कश्मीरियों को देश से अलग होने का मौका दे दें, जो कतई संभव नहीं था। अगर ये मौका एक को दिया जाएगा तो कई राज्यों से मांग उठ सकती थी। इसलिए दूसरा ही मौका ये था कि भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कठोर कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री रहते अमित शाह ने यह कदम उठाया। इतिहास हमेशा अमित शाह को इसी दृष्टि से देखेगा। भारत के गृह मंत्री जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तब प्रधानमंत्री नेहरू थे, और उन्हीं के निर्देशन पर सरदार पटेल भाई वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को जोड़ने का काम किया। लेकिन कोई नेहरू जी को इसका श्रेय नहीं देता है, श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह जोड़ने का श्रेय अमित शाह जी को जाएगा, मोदी जी को नहीं जाएगा। लोग ये प्रश्न भी पूछेंगे कि 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ आए नरेंद्र मोदी ने एक पंथ एक निशान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था, तो उसका उत्तर यह होगा, तब उनके पास अमित शाह जैसा गृह मंत्री नहीं था। अमित शाह जी ने एक कठोर निर्णय लिया है, इस संकट की घड़ी में हमको सरकार के साथ खड़े रहना होगा, हमारे पास इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। अमित शाह इस समय मैन ऑफ द मोमेंट है। हाँ, जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ बदलेंगी या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है। लद्दाख में जरूर डेवलपमेंट होगा, ऐसा मेरा मानना है। केंद्र सरकार वहाँ बड़ी परियोजनाएं लाएंगी, जम्मू क्षेत्र में भी बड़े विकास की योजनाएं लाई जाएंगी, जैसे कि कम से कम जम्मू और कश्मीर विकास के सही मार्ग में चल सके। कश्मीर के लिए हम केवल दुआ कर सकते हैं, उसे धरती में स्वर्ग की उपमा दी गई है, जन्नत कहा गया है। हम सबकी यही दुआ होनी चाहिए कि वह जन्नत कश्मीर में वापस लौटे, कश्मीर खुशहाल हो, और कश्मीर की आवाम जो आज अपने आप को भारत से छला हुआ महसूस कर रही है, उसको हम अपने साथ हृदय से जोड़ सकें। धन्यवाद।